जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और काम हो चुका है ख़त्म। और अभी तुम्हारा भाई नीचे जाएगा थोड़ा टहलने। कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, कुछ कमेंट्स थे भाई, कल आपने रिलायंस का शेयर बेच दिया, आज बेचते तो नुकसान कम होता। पहली बात तो नुकसान ऐसा कोई बड़ा हुआ नहीं है भाई, और दूसरी बात बेच दिया मतलब बेच दिया। अब ऐसा अगर सोचते रहे तो ज़िंदगी भर अफसोस में रह जाओगे भाई, नहीं बेचते तो आज उतना हो जाता। कभी आप टॉप पे नहीं बेच सकते, कभी बॉटम पे नहीं खरीद सकते, ये शेयर बाजार है। अगर अफसोस करने बैठे तो जिंदगी भर अफसोस में ही रह जाओगे, नई तरफ ढूंढेंगे इंसान है, थोड़ा बहुत लगता है। अब आज ही रिलायंस अगर 3% बढ़ जाता तो मुझे दुख होता कि यार एक दिन की बात ही तो थी। आधे परसेंट बढ़ा है उतना तो चलता रहता है, उतना तो मैं कहीं और से बना देता हूँ। ठीक है, तो जल्दी बड़ी अपडेट भी दूंगा आपको, कल ही दूंगा शायद, जल्दी क्या। और दूसरी बात यह है, ब्लॉग की शुरुआत कर चुके हैं रात से ही। अब मैं पूरी जर्नी दिखाता हूँ आपको, जैसे रात से लेकर सुबह तक की है ना। चलते हैं नीचे, थोड़ा टहलते हैं, खाना पीना खा के फुल सेट है। खाना तो मैंने शाम को 8 बजे ही खा लिया था, 7:30-8 बजे जब मंदिर से आया था। अभी 10:30 बज रहे हैं, बिल्कुल फ्री हो गए हैं। तो सबसे पहले तो वो बिजली की दुकान पे जाएंगे अगर खुली होगी तो। मंदिर के लिए अडेप्टर लेना है क्योंकि उसने बोला था कल आ जाएगा, अगर आ गया होगा तो अडेप्टर ले लेंगे, और नहीं आया होगा तो नीचे तो जाना ही, थोड़ा टहलते हैं। चलो चलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, क्या हाल चाल है सभी के। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, चाय पी रहा हूँ, चाय बना ली है। और उससे पहले देखो कपड़े धुले थे रात में, तो वो सुखाने डाल दिए सारे कपड़े। अभी चाय वाय पी के बैठेंगे काम पे। पी पी की आवाज़ सुन लो थोड़ी सी। आजकल मौसम का असर है या फिर वैसे ही मन नहीं करता, क्या पता नहीं क्या, लेकिन सुबह उठने का ज़रा दिल नहीं करता। 8 बजे उठता हूँ रोज़, 8, 7:30, 8, और ऐसा लगता है जैसे कि नींद पूरी नहीं हुई है। ऐसा लगता है सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी तो 8 बजने में समय होगा, लेकिन देखता हूँ तो 8 बज चुके हैं। आखिरी स्टेशन 8 बजे का है भाई साहब, अगर 8 बजे से लेट हुए तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए आखिरी स्टेशन पे तो उठना ही पड़ता है। हाँ, उससे पहले उठ जाओ तो थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन 8 तक तो उठना ही पड़ता है। कल रात में नीचे गया था 11:30 बजे के करीब, दुकानें ही बंद हो गई, ना तो फोटो कॉपी हो पाई, ना वो मंदिर का वो जो क्या कहते हैं उसे एडेप्टर, वो आ पाया लाइट का। आज कोशिश करेंगे जल्दी चले जाएँ। बाजार में आग लगी पड़ी है भाई, पहली अपडेट दे रहा हूँ आज। 1 बजे, 1:08 का समय हो रहा है, स्क्रीन के सामने एकदम बैठा हुआ हूँ सुबह से। आज मैं मिंत्रा वालों की कॉल आई है, वो जो जीन्स आनी थी जीन्स भी आ रही है, शूज़ तो 2 बार आ गए, मैंने रिटर्न भी कर दिए। देखते हैं अभी जीन्स कैसी आती है, जस्ट आने वाली होगी, उसके बाद मैंने वीडियो शूट पर जाना है तो मैं इनका वेट कर रहा हूँ, वरना बैर बच जाएगी बीच में ही। मार्केट तो नेक्स्ट लेवल भाग रहा है, ट्रस्ट मी भाई, कल मैं कॉल खरीद कर गया, मतलब वैसे मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, और मॉर्निंग में जब निफ्टी अराउंड 100 पॉइंट ऊपर खुला था ना, मैंने तब एग्जिट मार दिया। उसके बाद निफ्टी गिरा, 30-40 पॉइंट रह गया था तेजी में, उस कॉल की वैल्यू तो पूरी टूट गई, ऑप्शन भी प्रीमियम वगैरह सब टूट गई, मैंने कहा सही रहा निकल गया। लेकिन अभी 300 पॉइंट ऊपर है, पैसा 3 गुना हो जाता। तो कल एक रिलायंस को लेकर भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई नहीं बेचते तो सही रहता, तो उस समय तो कुछ दुख नहीं होता वो आधे 1% के लिए, लेकिन जब ऐसा होता है ना भाई, 3-3 गुना पैसा हो जाता है, वो बड़ा दुख देता है यार। मतलब रुक जाता तो 3 गुना हो जाता, मैं केवल 25% प्रॉफिट लेके निकला। और जब मैं ट्रेड करता हूँ बहुत छोटे अमाउंट में करता हूँ, तो परसेंटेज में तो ऑप्शन में ज़्यादा हो जाता है, बट वो बहुत छोटा अमाउंट था, बट अभी तक रुकता तो वो बड़ा बन जाता अपने आप में। मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ, जब वैसे करता ही नहीं मैं कभी भी, बहुत रेयर केसेस में, जब करता हूँ तो यही सोच के करता हूँ कि ये पैसा चला ही जाएगा, तो इसलिए मैं बहुत कम करता हूँ। ठीक है, मौसम की बात करें तो धूप निकल रही है, दिख भी नहीं रहा हूँ अब तो, आप दिखेगा देखो, देखा। वेट कर रहे हैं अभी मिंत्रा के, जल्दी से आ जाए यार, फिर काम पे बैठना है। देखो कितना गोरा होगा, मैंने वो कर रखा है ना, तो अभी काला करता हूँ उसे। पैंट आ चुकी है दोस्तों, मैंने चेक भी कर लिए, और एक बार फिर से रिटर्न करना पड़ेगा, इतना ख़राब कपड़ा है इस पैंट का, ऐसा लग रहा है पैंट कम टी शर्ट ज़्यादा है, सूखी सी पतली सी टी शर्ट, मज़ा नहीं आया यार। मुझे लग रहा है अब कपड़े खरीदना बंद करना पड़ेगा रोडस्टर के। 4:14 का समय हो रहा है, बाज़ार बंद हो चुका है, वीडियो बना रहा हूँ, लेटने आया हूँ थोड़ा सा। आज ना पीठ दर्द कर रही है यार, स्क्रीन के सामने ज़्यादा ही बैठा रहा आज, आज बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन हो गया मार्केट में, बड़ा तंगड़ा, ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाया मैं आज, दर्द हो रहा है यार पीठ में, अंगड़ाई ले रहा हूँ भाई, खाना पीना खा लिया है। लेटे लेटे दोस्तों ने नाखूनों पे नज़र गई, तो सोच लेता हूँ यही काट लूँ, आज फ्राइडे भी है, और ये देखो ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, ये देखो दूसरे हाथ का भी देखो, उंगलियों के तो ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, बट ये देखो कितना गंदा हो रहा है, सोच रहा हूँ इन्हें कट कर लेना चाहिए। तो भाई नाखून वगैरह कट कर लिए हैं, अब बढ़िया लग रहे हैं ना हाथ इंसानों की तरह। आज भाई बाजार में तो मज़ा आ गया, आप मुझे कमेंट करके बताओगे किस किस की पोर्टफोलियो में कितने गेंस आए हैं आज। मेरी पोर्टफोलियो करीब 2.25% ऊपर थी जो इन्वेस्टमेंट वाली है, बेहतरीन मज़ेदार आज पोर्टफोलियो देखी। कुछ स्टॉक्स तो मतलब ऐसे भागे हैं न जाने कैसे, अलग लेवल के भागे हैं। आप लोग कमेंट करो कि आपकी पोर्टफोलियो में आज कितने गेंस आए हैं, और अभी 5:00 बज के
27 मिनट का समय हो रहा है। आज काम थोड़ा तेजी से चल रहा है, मुझे लग रहा है शाम को 8 बजे तक खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा अपन खेलेंगे कूदेंगे भी। क्वालिफायर 1 चल रहा है भाई, ये देख रहा था थोड़ा सा, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। लखनऊ जो अनुराग की टीम है उनने रेल बना दी भाई दूसरी वाली टीम की, हरियाणा वाली की, सारा खत्म कर दिया खेल उनका। 6 विकेट गिर चुके हैं पहले ही, 36 रन हुए हैं। ये देख देख के ऐसा जी करता है भाई मैं भी खेलने चले जाऊं, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 1,00,000 फॉलोअर वगैरह चाहिए, उससे तो हमारे कई ज्यादा है, पर पता ही नहीं कैसे करना है अप्लाई वगैरह। पर ये था भाई, ये देख के मजा आता है, खेलने का जी करने लगता है। हार गई पर लखनऊ, एक और विकेट गिर गया, 7 हो गए लोग। लखनऊ फाइनल में पहुंच गई, मान लो कल फाइनल है, देखते हैं कौन जीतता है। और इस ब्लॉग को भी दोस्तों यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं आप सभी के साथ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तो बन रही है चैनल के साथ। जय श्री राम।